इम्पॉर्टेंट बैकलॉग टॉपिक ऑल्सो, सो वील कवर दैट इज वेल. एक बार कंफर्म कर दो इफ आई एम विजिबल एंड ऑडिबल. आई थिंक आई एम. एक सेकेंड. ओके, दिख रहा हूं मैं आप लोगों को. कैन यू सी मी एंड हियर मी इज वेल? ओके, परफेक्ट, थैंक यू. सो वी हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू डिस्कस इन दिस सेशन, है ना. हम लोग इनको डिटेल में चलेंगे, ठीक है, परफेक्ट, राइट. सो गुड इवनिंग गाइस, एंड दिस इज वन टाइम वेर आई फील कि सब लोगों को थोड़ा एक बार दिन में एटलीस्ट हमें मिलना चाहिए, ताकि आप लोगों की थोड़े थोड़े से ऐसे नर्व्स डाउन रह पाए. बिकॉज सुबह तो आई एन अंडरस्टैंड वी वेक अप विद अ लॉट ऑफ जील, शाम तक आते आते हमारा मूड ऑफ हो जाता है और हम बहुत डिस्करेज हो जाते हैं ना, कि दिस इज जनरल लास्ट वीक ऑफ क्लैट. मतलब आई हैव बीन थ्रू दिस जर्नी, तो मेरे को पता है कि ये होता है, दिस इज वेरी नॉर्मल, है ना. तो सो डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज वेरी वेरी नेचुरल. और आप ये सोच के चलो कि आपको जितना भी स्ट्रेस फील हो रहा है, जितना भी एंक्शियस फील हो रहा है ना, दिस इज द केस विद ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स, है ना. मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि कोई बहुत ही एकदम झंडे ही गाड़ रहा है, जो झंडे गाड़ रहा है उसको भी डर लग रहा है कि वॉट इफ दैट झंडा डज नॉट गेट हैपन इन दैट पर्टिकुलर फाइनल एग्जाम, है ना. तो यू वी नेवर नो कौन सा क्या है. अभी तो मतलब आप खुद ही देखो कि क्या कहते हैं, इंडिया ने 10-11 मैच जीते लाइन से, जब फाइनल आया तो इंडिया भी एक चौक कर गई. तो फाइनल तो इज अ डिफरेंट बॉल गेम, डिफरेंट प्रेशर गेम ऑल टुगेदर. तो मॉक टेस्ट में आप कितना भी टॉप कर लो, अल्टीमेटली वो एग्जाम में अच्छा करना पड़ेगा सबको. तो उसके लिए मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लो ऑलरेडी, है ना. लाइक बी वेरी स्ट्रांग मेंटली, मतलब कीप टेलिंग योर सेल्फ की दिस इज माई ईयर, आई विल डू इट, आई विल डू इट, है ना. वो अपने आपको बोलना बहुत जरूरी है. चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो द फर्स्ट टॉपिक वी डिस्कस टुडे इज द महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर इशू. दिस इज लाइक अ मेजर इशू. आपको ये फोटो से भी दिख रहा है कि इतना सा ये जो एरिया है ना, दैट इज लाइक अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी. सो दिस बिलोंग्स टू कर्नाटका. महाराष्ट्र अपेरेंटली वॉन्ट्स इट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये एक्चुअली है क्या, राइट. सो महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट, वाई हैज इट कम टू लाइमलाइट अगेन? बिकॉज दिस ईयर इन अप्रैल, जस्टिस अरविंद कुमार, ठीक है, जस्टिस अरविंद कुमार इज अ सुप्रीम कोर्ट जज, ही बिलोंग्स टू कर्नाटका. तो रिक्यूज उन्होंने क्या करा, ही रिक्यूज्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द बेंच जो इनका केस सुन रही थी. तो जनरली क्या होता है कि आपने लीगल प्रिंसिपल सुना होगा कि आई कैन नॉट बी अ जज इन माय ओन कॉज. मतलब आज मान लो अगर मेरे बेटे की सुनवाई हो रही है, तो मेरे बेटे की सुनवाई में मैं जज नहीं बन सकता. मेरे फादर की सुनवाई हो रही है तो उसमें मैं जज नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा तो क्लियर बायस होगा उस पर. तो इसीलिए बिकॉज दिस जज इज फ्रॉम कर्नाटका, ही सेड कि मैं ये केस नहीं सुनूंगा, बिकॉज मैं जो भी जजमेंट पास करूंगा दैट वुड बी, देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ बायस इन दैट जजमेंट. फिर इनसे पहले तीन और जज ऐसे ही रिक्यूज कर चुके हैं, ठीक है, लिख लो इनके नाम. जस्टिस अब्दुल नजीर, अब तो ये रिटायर हो गए, जस्टिस एम शांतना गोडर एंड जस्टिस बीवी नागरतना. जस्टिस बीवी नागरतना इज स्टिल इन द कोर्ट, इन द सुप्रीम कोर्ट. तो दीज थ्री जजेज आर ऑल्सो फ्रॉम कर्नाटका एंड दे हैव ऑल्सो रिक्यूज फ्रॉम हियरिंग दिस महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट, स्टेटिंग कि भाई हमारा तो इसमें इंटरेस्ट है ना. चाहे वो हो सकता है कि फिर भी वो जजेस एक अनबायस डिसीजन ही दें, बट स्टिल दे वुड नॉट वांट टू सिट ऑन द बेंच, ताकि एकदम लोगों को भी लगे. तो एक लीगल प्रिंसिपल होता है जो बोलता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड सीम टू हैव बीन डन, है ना. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जस्टिस कर दिया, लोगों को लगना भी चाहिए जस्टिस हुआ है ना. लोगों मतलब जो लोग जानते हैं थोड़ा कानून के बारे में, राइट. तो यहां पे व्हाट इज द डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट इज दैट महाराष्ट्र एंड कर्नाटका बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है 1956 से. तो हमारा इंडिया में सबसे पहले एक लॉ आया था दैट डिवाइडेड स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ऑल्दो दैट वाज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए किया था, बट उसको हम आसान भाषा में लिंग्विस्टिक पर्पजेस के लिए बोलते हैं. एंड दैट वॉज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956. 14 states in India were carved out under that. अभी तो हमारे पास double states हो गए, but at that time in 1956 when this act was brought, इसके मैं थोड़ी detail आपको end में बताऊंगा, ठीक है. तो 1956 में ये particular law आया था. अब इसमें कर्नाटका नहीं, उस time उसको state of Mysore बोलते थे, है ना. तो वैसे दो अलग अलग states यहाँ पर बने. See, this is how it looks. This is the dispute I'm discussing about. This is Maharashtra, this is Karnataka.
और ये जो बीच का मैं आपको ये रेड वाला एरिया दिखा रहा हूं ना, दिस रेड पार्ट इज दी डिस्प्यूटेड पार्ट। तो ये बेलगांव करके जगह, इसको बेलागावी बोलते हैं प्रेजेंटली। दिस इज द मेजर पार्ट एंड दिस पार्ट कॉल्ड कारवार, यू नो, निपानी। दीज आर सर्टेन एरियाज जो डिस्प्यूटेड एरियाज है। अच्छा मेरे को बताओ कि ये बेलगांव एक्चुअली कौन से स्टेट में है, कर्नाटका में है या महाराष्ट्र में है? टेल मी कौन से स्टेट में है? इट इज इन कर्नाटका, राइट? इट वेंट टू कर्नाटका, बट यहां पर द पीपल ऑफ महाराष्ट्र बिलीव दैट द मेजर पॉपुलेशन इन बेलगावी इज मराठी, एंड एज अ रिजल्ट बिकॉज मेजोरिटी पॉपुलेशन इज मराठी, इट शुड बिलोंग टू महाराष्ट्र। लेकिन कर्नाटका बोलता है कि नो, दैट इज नॉट ट्रू, है ना? दैट इज नॉट द ओनली रीजन, देर आर वेरियस यू कुड से रीजन यहाँ पे, ठीक है? चलो मूविंग अहेड यहाँ पे। सो इन 1957, अनहैप्पी विद द डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री, महाराष्ट्र ने डिमांड किया कि हमको रीअलाइनमेंट चाहिए कर्नाटका के साथ। जो आपने हमारी बाउंड्री ड्रॉ करी है उसको वापस ड्रॉ कीजिए। दिस इज व्हाट दे आस्क्ड अगेन। ओके, तो यहां पर जो एक्ट आया था उसका, जो मतलब 1950 जिसका जो एक्ट आया था उसका सेक्शन 21 क्लॉज 2 क्लॉज बी लिखने की जरूरत नहीं है। दे सेड, एक उन्होंने मेमोरेंडम सबमिट किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, और उन्होंने क्या लिखा उस मेमोरेंडम में? दे रोट कि भाई हमें ऑब्जेक्शन है फॉर द इंक्लूजन ऑफ दिस मराठी स्पीकिंग एरियाज इन कर्नाटका। सी द एंटायर आइडिया बिहाइंड द यू कुड से स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज टू रीऑर्गेनाइज एक्ट ऑन दी सॉरी रीऑर्गेनाइज स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेजेस मेजरली। देखो जनरली अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करोगे तो मोस्ट ऑफ द स्टेट स्पीक हिंदी, हिंदी का इधर उधर का वर्जन, कुछ हिंदी अलग अलग टाइप की हिंदी, बट इट्स हिंदी। बट इफ यू टॉक अबाउट द सदर्न इंडियन स्टेट्स और पर्टिकुलरली द कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया, राइट, हम केरला की बात करें, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ऑल्सो, है ना, गोवा की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यू नो, तेलंगाना अभी, तो ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर लैंग्वेजेस अलग अलग है। आंध्र में पीपल स्पीक तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटका में कन्नड़ा, मलयालम बोलते हैं केरला में, है ना? सिमिलरली मराठी दे स्पीक इन महाराष्ट्र। तो यहां पर देर वॉज अ प्रॉपर मूवमेंट, मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, इन महाराष्ट्र, जहां पर दे वॉन्टेड कि भाई महाराष्ट्र और मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन आनी चाहिए हमारे महाराष्ट्र स्टेट में। तो इसीलिए सिंस द सिंस इट्स क्रिएशन ऑन 1 मई 1960, पहले स्टेट ऑफ बॉम्बे बना था, बाद में उसको महाराष्ट्र बनाया गया। तो महाराष्ट्र क्लेम दैट 865 विलेजेस, वही एरिया में जो मैंने आपको रेड वाला फोटो दिखाया था ना, रेड पार्ट, उसी में शुड बी मर्ज इन टू महाराष्ट्र। सो दिस बिलोंग्स टू बेलगावी, जिसको बेलगाम बोलते थे किस समय, कारवाड़ एंड निपाणी, ये तीन तीन एरियाज है जिसके करीब 865 विलेजेस एज पर महाराष्ट्र शुड बिलोंग टू महाराष्ट्र एंड नॉट कर्नाटका, जो कि कर्नाटका को दे दिए गए थे उस समय, ठीक है? कर्नाटका हैज रिफ्यूज्ड टू पार्ट विद इट, डायरेक्टली कर्नाटका ने मना कर दिया कि हम नहीं दे रहे। अब मेन डिस्प्यूट क्या है, मेन डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्ट्रिक्ट, अगर हम इंडिया के पहले प्रॉपर सेंसस की बात माने, जो 1881 में जब पहली बार इंडिया में एक प्रॉपर सेंसस किया गया था, 72 से स्टार्ट हुआ था बट पहली प्रॉपर 81 में किया गया था, 64% एट दैट टाइम वर कन्नडा स्पीकिंग। तो अब सवाल ये है कि अगर 64% कन्नडा स्पीकिंग है तो फिर तो कर्नाटका में ठीक है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर स्टेट बीइंग दिस पर्टिकुलर एरिया इन कर्नाटका, एंड अराउंड 26% ऑफ मराठी स्पीकिंग। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मोर मराठीज स्टार्टेड सेटलिंग इन टू बेलगावी और बेलगाम एज दे कॉल इट एट दैट पॉइंट, ज्यादा लोग जाके वहां पर सेटल होने लग गए। तो प्रेजेंटली अगर मैं आपको बताऊं, एंड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर मोर मराठीज एज कंपेयर टू कन्नडिगास वहां पे। ओके, सो विद द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 47, दिस बेलगावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ फॉर्मर बॉम्बे, आपको पता है पहले प्रेसिडेंसीज होती थी, कैलकटा प्रेसिडेंसी, सॉरी बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, देयर यूज्ड टू बी लाइक, ये तीन इंडिया की बड़ी प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर जो बेलगावी आता था, दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ द बॉम्बे स्टेट, ठीक है? ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है बहुत, बॉम्बे स्टेट का पार्ट बना हुआ। तो उस समय महाराष्ट्र स्टेट नहीं था, ठीक है, बॉम्बे स्टेट बना था, एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ बॉम्बे स्टेट, राइट? लिख सकते हो, प्लीज नोट दिस डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
लेकिन 1940s में यू वुड अंडरस्टैंड दैट मराठी स्पीकिंग पॉलिटिशियंस डोमिनेटेड बेलगांव. ठीक है, द पॉलिटिशियंस बिकॉज पॉलिटिकली पावर जो पावरफुल जो लोग थे वहां पे देवर मराठीज. सो इट रिक्वेस्टेड द इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट प्रपोज संयुक्त महाराष्ट्र स्टेट. तो आगे जाकर जो पूरा महाराष्ट्र स्टेट बनने वाला है ना, तो संयुक्त महाराष्ट्र स्टेट वॉज काइंड ऑफ अ मूवमेंट. ये एक तरीके का मूवमेंट था, राइट. तो दिस पर्टिकुलर मूवमेंट बेसिकली स्टेटेड कि यहां पर वी वॉन्ट अ सोनली मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए स्टेट विच वुड बी महाराष्ट्र. ठीक है, तो मूवमेंट का नाम था संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट. तो दे वॉन्टेड बेलगाम और बेलगावी टू बी अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र बिकॉज दे वर इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस हु वर ट्राइंग टू एक तरह से कह सकते हो कि पुश फॉर इट. वो कोशिश कर रहे थे इसकी. ठीक है, हाँ. अब नॉट विथस्टैंडिंग देयर डिमांड्स द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मेड बेलगाम एंड 10 तालुकास ऑफ द बॉम्बे स्टेट अ पार्ट ऑफ द मैसूर स्टेट. तो उसको कर्नाटका नहीं बोलते थे, इट वॉज कॉल्ड द स्टेट ऑफ मैसूर. तो उनकी बात मानी नहीं गई और सरकार ने बेलगांव और उसके अलावा भी 10 तालुका को मैसूर का पार्ट बना दिया. मैसूर वॉज लेटर इन 1973 नेम्ड कर्नाटका. ठीक है, फॉर अबाउट 20 ईयर्स इट वॉज मैसूर ओनली. The Act divided states along linguistic and administrative lines. देखो यार, आज आपको पता है ना कि एक पर्टिकुलर स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है लोअर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वो जनरली उस स्टेट की लैंग्वेज को यूज करता है ना. आज मान लो फॉर एग्जाम्पल पीपल इन महाराष्ट्र यूज मराठी एज देयर लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पजेज ऑल्सो. सिमिलरली पीपल इन कर्नाटका यूज कन्नडा फॉर ऑफिशियल पर्पजेज ऑल्सो, राइट. Now, when the states were divided, they were divided for administrative ease. कि भाई ये जो कनाडा में करना चाहते हैं अपने ऑफिशियल काम, ये कर्नाटका की तरफ जाए, जो महाराष्ट्र में मराठी में करना चाहते हैं वो महाराष्ट्र की तरफ आ जाए. बट इट लुक लाइक ऑब्वियसली उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवाइड कर दिया है ना. और लैंग्वेज एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि फैक्टर था उस समय. मैं आपको जब 1956 एक्ट का थोड़ा भी डिस्क्रिप्शन समझाऊंगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि इट वॉज अ ह्यूज फैक्टर एट दैट टाइम. बहुत बड़ा फैक्टर था. ओके, तो यहां पर अब क्या अटेम्प्ट्स हुए इसको रिजॉल्व करने के. एक महाराष्ट्र एकीकरण समिति बनी. ठीक है, महाराष्ट्र एकीकरण समिति बनी इन 1948. किसका क्या ऑब्जेक्टिव था? कि इंश्योर करने की बेलगावी महाराष्ट्र का पार्ट बने. अभी तक कर्नाटका के पास गया नहीं था वो. 48 की अगर हम बात करें, सो इट हैड नॉट गॉन टू कर्नाटका और द स्टेट ऑफ मैसूर. 56 में फिर गया ना, उससे पहले तो था. फिर 1960 में अब जा चुका है. ठीक है, तो एक 4 मेंबर कमेटी बनी दोनों स्टेट्स की. द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एज वेल एज द स्टेट ऑफ मैसूर ऑफ दैट टाइम मेड अ 4 मेंबर कमेटी इन 1960 टू लुक इनटू दिस मैटर, टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर इशू एंड फिगर आउट अ सॉल्यूशन फॉर इट. ओके, अब यहां पर प्रॉब्लम क्या था? इट कुडंट अराइव एट अ कंसेंसस एंड द रिप्रेजेंटेटिव सबमिटेड द रिपोर्ट टू द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट. कोई भी कंसेंसस पे नहीं आया. कंसेंसस मतलब दे डिड नॉट अग्री ऑन अ पर्टिकुलर थिंग. तो इसीलिए इन सब्सिक्वेंट डेकेड्स कि चीफ मिनिस्टर ऑफ बोथ स्टेट्स कई बार मिल चुके हैं. मतलब इतने सारे चीफ मिनिस्टर इनके एक साथ मिले हैं ना, कि अगर कोई रिकॉर्ड निकाले ना कि कौन से ऐसे दो स्टेट्स जिसके चीफ मिनिस्टर सबसे ज्यादा मिले हैं, वो कर्नाटका और महाराष्ट्र ही होंगे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर हैव बीन सो मेनी इंस्टांसेस वेयर चीफ मिनिस्टर ऑफ दीज स्टेट्स हैव मेट एंड दे हैव डिस्कस्ड कि भाई हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं. दिस इज बीन गोइंग फॉर एटलीस्ट लास्ट 75 ईयर्स नाउ. बट उन 75 सालों में दे हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू फिगर आउट अ सॉल्यूशन. द मैटर इज स्टिल पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, इनफैक्ट जजेस ही नहीं बैठ रहे. ओके, फिर 1966 में एक महाजन कमेटी बनी जो महाराष्ट्र के इंसिस्टेंस पर बनाई थी कि भाई महाजन कमेटी एक कमेटी बनाओ विच इज गोइंग टू बी यू नो काइंड ऑफ लुक इन टू दिस मैटर अगेन. वो इस मैटर को देखेंगे. भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लैट 24 परस्पेक्टिव से, तो प्लीज एक नोट बना लेना, ऐसे हल्के में मत लेना इसको. ये नवंबर का टॉपिक नहीं है, ये इस साल का पहले साल का टॉपिक है ये. ठीक है, तो प्लीज मेक गुड नोट्स ऑफ दिस टॉपिक. ठीक है, महाजन कमिटी, दिस कमीशन वॉज हेडेड बाय दिस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के पुराने जस्टिस मेहर चंद महाजन जी को इसका हेड बनाया गया. अब उन्होंने क्या किया, ही रिजेक्टेड महाराष्ट्र क्लेम ओवर बेलगावी. उन्होंने कहा कि बेलगावी तो बिलोंग ही नहीं करता एंड 247 विलेजेस शैल बी अ पार्ट ऑफ कर्नाटका
एंड 264 विलेजेस इंक्लूडिंग निपाणी, खानपुर एंड नंदागढ़, आई एम प्रीटी श्योर आई एम रीडिंग इट इनकरेक्टली अगेन, टू बी अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. सो आउट ऑफ दी 480 odd villages that they had that they were disputing over, Belagavi was the main point of contention. So Justice Mahajan Committee ne bola ki Belagavi to will go to Karnataka, but certain other places like Nipani and all, that can go to Maharashtra. Wo Maharashtra ki taraf ja sakta hai. To aap keh sakte ho ki this was not a fully won battle, but kuch had tak unke favor mein decision aa sakta tha yahan pe. You know, there was like some chance that decision could fall in their favor. Ab रिस्पॉन्स क्या था, महाजन कमेटी की रिपोर्ट वॉज आउटराइटली रिजेक्टेड बाय महाराष्ट्र. महाराष्ट्र ने कहा नहीं, ऐसे आधा अधूरा नहीं, बेलगावी और बेलगांव बिलोंग टू अस एंड वी विल टेक इट, वो हमें चाहिए ही चाहिए, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज. तो इसलिए द क्लेम ऑफ प्रो मराठी ग्रुप इज दैट बेलगावी इज लार्जली अ मराठी स्पीकिंग रीजन विद मेनी पार्ट में एक्सक्लूसिवली मराठी स्पीकिंग, कुछ पार्ट तो सिर्फ मराठी बोलते हैं वहां के. वाइल कर्नाटका सॉ महाजन कमीशन रूलिंग इन इट्स फेवर, कर्नाटका को लगा कि ठीक है फिर है ना, छोटे वाले एरिया ले लो, बेलगावी इज द मेन एरिया है ना, तो वो हमें दे दो. तो यहां पर ये कह सकते हो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक यू कुड से इश्यू हो गया यहां पे, है ना. तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. हाँ ठीक है, तो इट इज कंसिस्टेंटली आर्ग्यूड दैट द इंक्लूजन ऑफ बेलगावी इज अ पार्ट ऑफ अ टेरिटरी इज बियॉन्ड डिस्प्यूट. कर्नाटका बोल रहे हैं कि भाई इंक्लूजन ऑफ एरियाज इन कोल्हापुर, शोलापुर एंड सांगली, ठीक है, इन इट्स टेरिटरी. तो वो बोल रहे हैं कि भाई अगर आपने वो आपको बेलगावी चाहिए तो आपके पास तीन ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, विच इज कोल्हापुर, सांगली एंड शोलापुर, जहां पर कुछ कन्नड़ा स्पीकिंग एरियाज हैं, तो वो वाले एरियाज फिर हमको दो. अब ये काउंटर क्लेम हो गया, वो बोल रहे हैं कि यहां पे मराठी स्पीकिंग है, तो वो बोल रहे हैं कि आपके पास भी कन्नड़ा स्पीकिंग है, तो फिर आप भी हमें अपने एरियाज वापस दो. तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है ना, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. तो इसलिए 1970s में द कमीशन रिपोर्ट वॉज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट, बट बिना किसी डिस्कशन के वो लैप्स हो गई. सो द मेहर चंद महाजन कमीशन रिपोर्ट डिड नॉट ब्रिंग एनीथिंग सब्सटेंशियल लाइक रिजल्ट वाइज, ना रिजल्ट वाइज कुछ खास उसमें आया नहीं. अब आगे बढ़ते हैं फिर से, लेट्स मूव अहेड. अब डेवलपमेंट उसके बाद से क्या हुआ है, 2004 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट फाइल्ड अ पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट. क्योंकि आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट का एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, मैं आपको सारा आर्टिकल आर्टिकल बता दूंगा अभी. तो व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है कि सीधे बात सुप्रीम कोर्ट में जाती है. दिस मैटर कैन नॉट बी फाइल्ड इन दी कर्नाटका हाईकोर्ट और दी बॉम्बे हाईकोर्ट, इट कैन ओनली गो टू द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, सो दी पिटीशन एंडेड क्लेमिंग अ स्टेक इन दी मराठी स्पीकिंग विलेजेस इन कर्नाटका. ऑन दी अदर हैंड, स्टेट ऑफ कर्नाटका आर्ग्यूड दैट आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि भाई ओनली दी पार्लियामेंट कैन डिसाइड ऑन स्टेट बॉर्डर्स. तो वो बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र स्टेट के पास नहीं है अथॉरिटी, इट इज ओनली दी सेंट्रल गवर्नमेंट हू हैज दी पावर टू डिसाइड कि स्टेट बॉर्डर किस तरह से बाइफरकेट होगा. 1956 में दी पार्लियामेंट डिसाइडेड वी आर फॉलोइंग दिस, महाराष्ट्र इज नॉट. कर्नाटका वॉज वेरी क्लियर इन इट्स क्लेम. ठीक है, कर्नाटका ने क्लियरली बता दिया, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ फ्रॉम 2006 कर्नाटका स्टार्टेड होल्डिंग विंटर सेशन ऑफ लेजिस्लेचर इन बेलगाम. तो वो होता है ना कि भाई तुम चलो ठीक है, तुम चिढ़ाओ, तुम चिढ़ो, हम तुम्हें और चिढ़ाएंगे, है ना. जैसे ये होता है ना, क्लैट एस्पिरेंट्स अगर डरते हैं तो उनको मॉक टेस्ट और कई सारी चीजें और डराती है, तो ये थोड़ा सा और उंगली करने लग गए उनको. तो ये वैसे तो बैंगलोर में बैठता है इनका जो मेन लेजिस्लेचर होता है, लेकिन उनका जो विंटर सेशन होता था 2006 से वो करने लग गए बेलगावी में. क्यों? क्योंकि वो कर्नाटका का पार्ट है, तो दे स्टार्टेड डूइंग इट देयर. तो एडिशनली दी स्टेट बिल्ट अ मैसिव सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन 2012. 2012 में बड़ा सेक्रेटेरिएट बनवा लिया वहां पे, एक तरह से वो दिस इज द विधानसभा टाइप, ठीक है, विधान सौधा बोलते हैं वहां पे, वो बनवा लिया टू कमेमोरेट द गोल्डन जुबली ऑफ कर्नाटका फॉर्मेशन एंड ऑन द लाइन ऑफ विधानसभा एंड बैंगलोर. वैसा ही कुछ यहां पर उन्होंने 2012 में बनवा लिया. सो दे बेसिकली सेइंग कि हमारे एरिया है, तुम जो करना है कर लो, हम तो यहां पर बना रहे हैं, वी आर कंस्ट्रक्टिंग, राइट. तो इससे महाराष्ट्र को और गुस्सा आया, महाराष्ट्र को लगा कि भाई ये क्या बदतमीजी है, है ना. तो महाराष्ट्र और ज्यादा फियर्सली लड़ने लगा कोर्ट में, राइट. तो 2010 में सेंटर ने बोला दैट बोथ पार्लियामेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट हैड टेकन अप ऑल द रेलेवेंट फैक्टर्स, दिस अकर्ड ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल एंड द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन बिल एज वेल. द ऑनगोइंग डिस्प्यूट इज लेड टू एंड्योरिंग वायलेंस ऑल्सो बिटवीन दीज टू स्टेट. देयर हैव बीन सिचुएशंस जहां पर वायलेंस हुआ है, क्योंकि विद इन बेलगावी ऑल्सो देर आर सर्टन पीपल हु फील कि देर शुड बी अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, है ना, ये होता है वहां पर.
तो देर हैज बीन वायलेंस ऑल्सो रिपोर्टेड एट वेरियस टाइम्स बिकॉज ये काफी ज्यादा हाईली पॉलिटिसाइज इशू है. Whoever becomes the chief minister of Maharashtra, ये डिस्कस करता है वो. Whoever becomes the chief minister of Karnataka, ये डिस्कशन हो ही जाता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा इशू है. ओके, सो द मोस्ट रिसेंट इंसिडेंट अगर इन नवंबर 2022, यहां पर यूनियन मिनिस्टर अमित शाह एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ टू स्टेट टू फॉर्म अ 6 मेंबर टीम. इट विल कंप्राइज ऑफ 3 मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट टू एड्रेस ऑल द बाउंड्री इश्यूज. तो अमित शाह जी ने बोला कि भाई इसको वंस एंड फॉर ऑल खत्म करते हैं, तुम बहुत समय से लड़ रहे हो, तो एक टीम बनाओ, तुम बनाओ, है ना, 3 मेंबर तुम्हारी तरफ से, 3 मिनिस्टर तुम्हारी तरफ से, और बैठ के डिसाइड करो. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बैठ के तो ये कई बार डिसाइड कर चुके हैं, डिसाइड हो नहीं पा रहा है. तो अब देखते हैं क्या होता है. सुप्रीम कोर्ट में भी बात चल रही है. तो इट वॉज ज्वाइनिंग द मीटिंग विद मिस्टर एकनाथ शिंदे एंड कर्नाटका के उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे बसवराज बोम्मई, है ना. अभी कौन है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर? हु इज द कर्नाटका चीफ मिनिस्टर राइट नाउ? ठीक है, इट्स सिद्धरामैया. ठीक है, सिद्धरामैया एज अ चीफ मिनिस्टर. इसी साल इलेक्शन हुए ना कर्नाटका में. तो कर्नाटका असेंबली इन रिस्पॉन्स ऑन December 22 लास्ट ईयर यूनानिमसली पास द रेजोल्यूशन टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट एंड कॉल द डिस्प्यूट अ क्लोज चैप्टर. तो उन्होंने तो अपनी असेंबली में बोल दिया कि दिस इज अ क्लोज चैप्टर, ये फालतू की बात कर रहे हैं, एंड दिस शुड नॉट बी टेकन फर्दर, दिस इज अ पार्ट ऑफ कर्नाटका, ये हमारे कर्नाटका का ही पार्ट है. ठीक है, तो कर्नाटका ने वो डरा लिया. अब इसके बारे में बता दूं कि बहुत इंटरेस्टिंग है, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री. काफी बड़ा आप कह सकते हो कि प्रोटेस्ट हुए थे भारी. ठीक है, तो यहां पर इसको स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने सारे स्टेट्स को लिंग्विस्टिक लाइंस पर, उस समय थे हमारे पास 14 स्टेट्स, ठीक है, तो वो बनाया उन्होंने. 48 में गवर्नमेंट क्रिएटेड अ कमीशन अंडर एस के धर. ठीक है, एस के धर कमीशन बना. इस कमीशन ने रिकमेंड करा दैट अंटिल नेशनलिस्टिक फीलिंग स्ट्रेंथन्ड इन द कंट्री, स्टेट शुड फंक्शन सोलली एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अंडर द सेंटर. वो बोल रहे कि जब तक हमें एक नेशनलिज्म की फीलिंग ना आ जाए तो स्टेट्स को सेंटर के अंडर ही काम करना चाहिए. ये थोड़ा आइडिया सही नहीं था बिकॉज स्टेट्स वर नॉट हैप्पी अबाउट इट. क्योंकि सेंटर कहाँ होता है? सेंटर इंडिया इंडिया का था दिल्ली में. दिल्ली हमेशा से सदर्न इंडियन स्टेट्स को ये लगता रहा है, पर्टिकुलरली दोस 4 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला, दैट द सेंटर और हूएवर कम्स एट द सेंटर इम्पोजेस हिंदी ऑन देम, है ना. हिंदी इज द लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, साउथ इंडिया में नहीं बोली जाती लेकिन कभी भी. तो सदर्न इंडियन स्टेट्स फील दैट हिंदी इज काइंड ऑफ इम्पोज्ड ऑन देम, दे हैव ऑलवेज फेल्ट लाइक दिस, एंड दैट लेड टू मैसिव प्रोटेस्ट ऑल अराउंड साउथ इंडिया कि हम नहीं चाहते कि आप हम पर अपनी लैंग्वेज थोपो, वी डोंट वॉन्ट एनी ऑफ दैट. ओके, तो अंडर फॉलोइंग दिस एक JVP कमिटी बनी हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पत्तावी सीतारामैया. लिख लो ये JVP कमेटी. ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, पटेल एंड पत्तावी सीतारामैया, ये कमेटी बनी इसके बाद. ठीक है, लेकिन इनकी रिपोर्ट भी रिजेक्टेड द लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन. इनकी भी जो रिपोर्ट आई उसने भी लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन तो कैंसिल कर दिया, दे सेड कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे तो नहीं करना चाहिए. हाउएवर eventually yielded and created first linguistic state which was Andhra Pradesh. So Andhra Pradesh is the first Indian state to be created on linguistic basis. So ye 1956 se pehle hi kar diya tha. So the Telugu speaking people in 1953 were reorganized into Andhra Pradesh. Unko Andhra Pradesh mein alag se state bana ke diya. Right? To ab aap ek taraf to bol rahe ho ki linguistic reorganization nahi karna aur dusri taraf aapne kar diya. तो ये थोड़ी सी डबल स्टैंडर्ड जैसा हो गया. ओके, फिर इट वाज आफ्टर आंध्र प्रदेश में एक्चुअली बहुत एक मतलब कह सकते हो कि वहां के एक रेवोल्यूशनरी थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामलु. ठीक है, दिस पर्सन फास्टेड अनटू डेथ प्रोटेस्टिंग फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट. मतलब इन्होंने एकदम अन्न वन सब छोड़ दिया था, है ना, एंड ही क्रिएटेड काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि उस समय बहुत ज्यादा UN क्राइ, मतलब बहुत बड़ा मैटर हो गया था, इट बिकॉज was hugely politicized in India, right? And that was a time when India, we did not have any digital instruments to know. आज तो अगर कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा है तो फटाफट Instagram पर reels, videos सब आ जाएंगे, photos, photos. अभी पहले ऐसा नहीं होता था. तो सोचो मतलब इतना कम लोगों को पता चलती थी चीजें, तो भी इतना बड़ा national issue था ये. ठीक है, it was a huge national issue, right? तो इसके बाद में the other linguistic demands got an impetus and state reorganization commission was created in 1953.
अंडर जस्टिस फैजल अली, जस्टिस फैजल अली के अंडर फिर वो कमिटीज बनी अल्टीमेटली। तो जो पहली दो कमिटीज बनी उन्होंने तो लिंग्विस्टिक वाला पॉइंट कैंसिल ही कर दिया, बट जस्टिस फैजल अली का कमिटी वॉज क्रिएटेड इन 1953 टू लुक इन टू दिस मैटर अगेन। हाँ एग्जैक्टली, ही स्टेड ऑन फास्ट फॉर 56 डेज एंड देन डाइड अल्टीमेटली, है ना। तो इसीलिए और बहुत वॉयलेंस हुआ था उस जगह पे, उस बात में लॉट ऑफ वॉयलेंस देयर, राइट। तो इसीलिए इन्होंने फिर 1955 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, और इनकी रिपोर्ट के बेसिस पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, जिसमें 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए, ठीक है। उसके बाद में 1956 में कर्नाटका बना, मतलब इसको मैसूर स्टेट बोलते थे, बट कर्नाटका एज वी नो इट राइट नाउ वाज क्रिएटेड इन 1956, नाम अलग था बस, है ना। तो दैट्स हाउ, ये मतलब बहुत बड़ी फाइट थी अपेरेंटली, वेयर पीपल वर फाइटिंग फॉर दिस। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये मैं बता रहा था कि आर्टिकल 131 में दे रखा है कि अगर दो स्टेट्स के बीच में कुछ फाइट होती है, सुप्रीम कोर्ट इज द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड द इंटर स्टेट काउंसिल, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि अगर कोई भी स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करने के लिए, तो प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो सेट अप एन इंटर स्टेट काउंसिल। सो दैट इज ऑल्सो पावर दैट द प्रेसिडेंट हैज, है ना। मतलब बट क्या होता है कि इट इज नॉट वेरी परसुएसिव, डिस्कशंस कर सकते हो आप इंटर स्टेट काउंसिल में, राइट, दैट दैट कैन हैपन। फिर 1988 में देयर वाज दिस सरकारिया कमीशन, इसने सजेस्ट करा दैट काउंसिल्स शुड एग्जिस्ट इनटू शुड एग्जिस्ट, अच्छा वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आएगी अपेरेंटली, मतलब इफ यू वांट टू फॉर्म अ काउंसिल लाइक दिस एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आना चाहिए उसका, ठीक है। तो सेंटर रिकॉन्स्टिट्यूटेड द इंटर स्टेट काउंसिल इन 2021, ठीक है। वो धीरे उसका मतलब स्ट्रक्चर वापस चेंज किया, रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़े से कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट है तो उन लोगों के लिए ऐसे क्लैट के लिए रेलेवेंट नहीं है फ्रॉम करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो बॉडी में अभी 10 लोग होते हैं एज परमानेंट परमानेंट बॉडी, एंड इन 1990 केम यूनियन मिनिस्टर्स द परमानेंट इनवाइटीज, तो जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे परमानेंट इनवाइटीज रहते हैं उसके, ठीक है। गाइज मॉक में कितने आ रहे हैं यार, मेरे को ये बात बताओ कि उनके जितने आ रहे हैं उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारे बढ़ जाएंगे उससे। ये मैं कम से कम आज की क्लास में 10 लोगों को पूछते हुए देख चुका हूं, है ना। लास्ट के 3-4 दिन में ये सवाल पूछ रहे हो, तो अगर तुम्हारे इसकी वजह से अगर बढ़ जाएंगे तो पूछो, है ना। क्या मतलब, किसी ने बोला ज्यादातर लोग अगर तुमसे ज्यादा बोल देंगे तो फिर तुम रात में सो नहीं पाओगे, है ना, और कम भी बोल देंगे तो भी तुम्हें लगेगा तो फिर तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तो दोनों ही तरफ तुम्हारे लिए नुकसान ही है, है ना। तो इसीलिए मैं बोल बोल के थक जाता हूं कि तुम सिर्फ खुद को खुद से कंपेयर करो, किसी के कितने भी आ रहे हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है कमेंट में तुम्हें सारे बच्चे सही बता रहे होंगे नंबर, है ना। ये देखा नहीं तुमने, अपनी क्लास के बच्चे भी सही नहीं बताते, तो वो बच्चे जिनको तुम जानते भी नहीं हो तुम्हें सही बता रहे होंगे नंबर सब, किसी के 90 आ रहे होंगे तो वो भी 60 ही बताएगा तुम्हें आप, ठीक है। मतलब ये हमारी आदत पड़ गई है कि हम किसी भी बात को कुछ भी बस मान लेते हैं, तुम्हें मानना होता है तो, राइट। चलो एनीवे, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ठीक है, विच इज साइप्रस कॉन्फिडेंशियल। तो साइप्रस ना इज एन आइलैंड, इट्स अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन ऑल्सो, ठीक है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो व्हाट अ टैक्स हेवन इज। तो जनरली क्या होता है कि सारी मोस्टली कंट्रीज होती है जहां पर ज्यादा टैक्स लगते हैं बिजनेस पे, लेकिन देयर आर सर्टेन टैक्स हेवन इन द वर्ल्ड। टैक्स हेवन वो वाली जगह होती है जहां पर टैक्स बहुत कम लगता है। तो जो अल्ट्रा रिच लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अपना पैसा ना यहां पर पार्क कर देते हैं। तो देयर कुछ 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 जगह केमैन आइलैंड्स, साइप्रस, है ना, ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर टैक्स बहुत कम लगते हैं। तो एज अ रिजल्ट अ लॉट ऑफ पीपल पार्क देयर मनी इनटू दीज आइलैंड्स, ठीक है। इस आइलैंड में वो लोग अपना पैसा पार्क कर देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि बिकॉज दे चार्ज लेस टैक्स, जिस कंट्री में वो इनकम जनरेट हुई है, जिस कंट्री को आइडियली टैक्स मिलना चाहिए, उसका टैक्स वेस्ट हो जाता है, दैट कंट्रीज टैक्स इज वेस्टेड। तो इसीलिए ये काफी खराब प्रैक्टिस मानी जाती है ऑन अ ग्लोबल लेवल। तो अभी साइप्रस कॉन्फिडेंशियल में ये पर्टिकुलर चीज पता चली है कि साइप्रस में ऐसा कुछ अभी चल रहा था, और इस तरीके के डॉक्यूमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आते हैं, है ना, कभी पनामा पेपर, कभी पंडोरा पेपर, ऐसे अलग अलग नाम से वो आते हैं। अभी हम साइप्रस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ इंडियंस का भी नाम आया, और अगर पैसे की खरीद फरोख्त या पैसे की ऊपर नीचे में अगर किसी इंडियन का नाम आता है तो एक इंडियन इस साल हमेशा
सुर्खियों में छाया रहा है, तो उनकी बात भी हम करेंगे। तो साइप्रस कॉन्फिडेंशियल इज अ ग्लोबल ऑफशोर इन्वेस्टिगेशन जो कुछ कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक है, उन्होंने किए, ठीक है, ऑफ 3.6 मिलियन डॉक्यूमेंट्स इन इंग्लिश एंड ग्रीक। इंग्लिश और ग्रीक लैंग्वेज में 3.6 मिलियन डॉक्यूमेंट्स थे जो लीक हुए, जिनके बारे में पता चला, और उनकी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर पता चला है कि किन किन लोगों के ऐसे पैसे पार्क है उन जगहों पर, राइट। तो दिस इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। दिस हैज 68 मीडिया पार्टनर्स फ्रॉम 55 कंट्रीज। इंडिया से इंडियन एक्सप्रेस इज अ पार्ट ऑफ इट। इंडिया से इसका पार्ट है इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, प्लीज लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, राइट दिस डाउन, ओके। सो इंडियन एक्सप्रेस इज अ पार्ट ऑफ इट। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब ये करता है 1995 से 2022 तक के ऑफेंसेस को कवर, लेकिन अगर मेजर लिखा जाए 80 से 90% फॉल्स विद इन 2014 टू 2022। तो 8 साल के जो पिछले 8 साल के जो ऑफेंसेस है ना, उसको बहुत ज्यादा कवर करता है। एंड व्हाई एम आई कॉलिंग इट ऑफेंसेस, दीज आर नॉट लाइक मर्डर टाइप ऑफेंस, इसको व्हाइट कॉलर क्राइम बोलते हैं, है ना, हम डिस्कस करेंगे। सो द सोर्सेस सजेस्टेड दैट इन्वेस्टिगेशन वॉज ऑलमोस्ट 8 months लॉन्ग। कितने सारे डॉक्यूमेंट थे यार, मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो इट took so many media companies 8 months का time, 8 महीने to sort out and come to a conclusion and bring a report for the same. अब why Cyprus? Cyprus क्यों news में आ गया, इसलिए क्यों इस particular जगह का हम बार बार नाम दे रहे हैं? तो unveiling a network of companies established in Cyprus as a tax haven by influential global rich. And when I'm talking about rich, I'm talking about extremely rich, है ना, मतलब normal rich नहीं, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ वाला आदमी रिच नहीं है इनके हिसाब से, है ना। ये वो पार्टी है जो कम से कम 1000-1000 करोड़ की पार्टी है, कम से कम, ठीक है। दीज आर दोस काइंड्स ऑफ बिजनेसेस, ओके। तो यहां पर एक स्मॉल मेडिटेरेनियन आइलैंड है ऑफ द कोस्ट ऑफ टर्की, हैज एन आउटसाइज फाइनेंशियल सेक्टर एंड सम ऑफ द यूज मोस्ट लैक्स फाइनेंशियल डिस्क्लोजर लॉज। तो क्या होता है कि एक तो आपका टैक्स कम लगता है, और इंडिया में अगर आप कोई कंपनी खोलोगे तो आपको बहुत सारे डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं अपने फाइनेंसिस के बारे में। आपने देखा ना अभी कई सारी एडटेक कंपनीज को या फिर अलग अलग कंपनीज को सरकार ने पकड़ा है कि भाई तुम पैसा है कहां तुम्हारे पास, तुम इतना लॉस में चल रहे हो और मतलब हजारों करोड़ों के एड्स कर रहे हो, क्या हो क्या रहा है ये, है ना। तो गवर्नमेंट ने पकड़ा उनको अभी ऐसे, तो इसका क्या मतलब है, दे हैड टू डू अ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, उनको फाइनेंशियल डिस्क्लोजर करना पड़ा क्योंकि आप इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो। आप साइप्रस में ऑपरेट करो, आपको कोई फाइनेंशियल डिस्क्लोजर नहीं करना, है ना, चलाओ अपनी कंपनी मजे से। सो इट मेक्स द कंट्री एन आइडियल डेस्टिनेशन फॉर स्टैशिंग वेल्थ। आप अपना जो पैसा है, जो आपने एक्स्ट्रा कमाया है, जिस पर आपको टैक्स नहीं देना है, वहां पार्क कर सकते हो, यू कैन पार्क योर मनी इन साइप्रस, एंड साइप्रस गिव्स यू दोस काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब सोर्स की अगर हम बात करें तो 6 साइप्रस की फर्म्स हैं जो या तो कुछ कंसल्टेंसी देती है या फिर कुछ लीगल एडवाइस देती है, और एक लातविया की कंपनी, लातविया इज अनदर यूरोपियन कंट्री, ठीक है, लातविया की एक कंपनी और 6 साइप्रस की कंपनीज है। इन कंपनीज के नाम अगर लिख सकते हो आप, डीजे, अगर मतलब यू कैन जस्ट टेक अ पिक्चर ओनली, डीजेसी अकाउंटेंट्स, ठीक है, मेरिट कैपिटल, मेरिट सर्वर्स, सिपको डायरेक्ट, ठीक है, कनेक्टेड स्काई एंड कैलियास एंड एसोसिएट्स। तो ये जो 6 कंपनीज है ये तो है साइप्रस की, दीज आर साइप्रस कंपनीज। लिख लो ये, राइट। लिख लिया, चलो। उसके अलावा एक जो लातविया वाली कंपनी, उसका नाम है डेटा सेट एसआई, इट्स कॉल्ड डेटा सेट एसआई। नाउ जो साइप्रस कॉर्पोरेट रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स है वो उनको एक वेबसाइट से मिले कॉल्ड आई साइप्रस, आई साइप्रस करके एक वेबसाइट है जहां से डॉक्यूमेंट्स लीक होकर उनको मिले, ठीक है। तो ICIJ इज मेंशनिंग आई साइप्रस एंड डेटा सेट फॉर ट्रांसपेरेंसी पर्पजेस एज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ लीड्स रिकॉर्ड्स, ठीक है। उनको ट्रांसपेरेंसी पर्पस के लिए वो बता रहे हैं कि हमने बनाए नहीं है डॉक्यूमेंट,
दीज आर सर्टेन डॉक्यूमेंट दैट वी हैव एक्चुअली गॉटन फ्रॉम रेलेवेंट सोर्सेस, एंड हमने उसको सिर्फ एनालाइज करके बताया कि कौन कौन चोरी कर रहा है, कौन कौन अपना पैसा वहां पे पार्क करके बैठा है. ओके, तो द लीक्ड रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस 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 वर ऑब्टेन्ड बाय दिस पर्टिकुलर कंपनी. अभी काफी सारी कंपनीज के नाम आएंगे. इट्स कॉल्ड द पेपर ट्रेल मीडिया, है ना. इसका भी नाम लिखो, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सीक्रेट्स, ये भी एक कंपनी है. ऑब्टेन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम कालियास एंड एसोसिएट विच वर देन शेयर्ड विद पेपर ट्रेल एंड आईसीआईजे. तो ये आसान नहीं है ये पेपर्स निकलवाना, है ना. इट्स नॉट इजी, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल काम होता है ये. तो ये जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं इस लेवल के होते हैं कि वो निकाल लेते हैं, है ना. दे ब्रिंग आउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो दी डीजेसी अकाउंटेंट्स रिकॉर्ड्स वर ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सीक्रेट्स एंड दी शेयर्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट. मतलब आपको ये नहीं याद रखना कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहां से आया है, बट आपको ये सारे नाम फिर भी एक आइडिया रहना चाहिए. आपको इतना कोई स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई इस कंपनी का कहां से आया. नहीं, नोबडी विल आस्क यू दैट. ठीक है, हाँ ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लोग तो कह रहे हैं आप नए टॉपिक्स मत पढ़ाइए, और आप नए टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों से पढ़ लो ना. अब आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, है ना. आप इस क्लास में इसलिए आए हो क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है. अदरवाइज यू वुड नॉट एंटर दिस क्लास. इफ यू आर 100% श्योर अबाउट वॉट पीपल आर सेइंग, यू वुड नॉट एंटर दिस क्लास. राइट, आई एम 100% श्योर अबाउट इट. ठीक है, तो जो आपको लोग कह रहे हैं आप उन लोगों से पढ़ लो. ये तो ओपन क्लास है, जिसको लग रहा है आ सकता है वो आ जाए, जिसको लगता है नहीं आ सकता है वो लोगों की बात सुन ले. क्योंकि लोग तो आपको वही बोलेंगे जो आपको अच्छा लगेगा. मैं जनरली आपको वही बातें बोलूंगा जो आपको अच्छी नहीं लगेगी. मुझे लगता है आधे स्टूडेंट तो क्लास में इसलिए नहीं आते होंगे कि सर अभी कुछ ऐसा बोल देंगे जो हमारा एकदम मोराल डाउन कर देगा, है ना. तो आपने कौन है वो लोग, कोई दूसरा क्लैट एस्पिरेंट. आपको पता है क्लैट 2023 में, मैं बार बार ये एग्जाम्पल देता हूँ, उस दिन है ना फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल था. ऑन दैट पर्टिकुलर डे, ऑन 18th of December 2022, दे आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम फीफा वर्ल्ड कप. 7 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, और फाइनल आपके क्लैट एग्जाम के बाद में हुआ है. दे स्टिल आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, है ना. तो भाई लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं चुपचाप पढ़ लो. तो व्हाट फाइल्स आर लीक्ड, अभी क्या फाइल्स क्या है. तो ये सारा जो भी ये अल्ट्रा रिच लोग है ना, इनका कच्चा चिट्ठा है बेसिकली. तो यहां पर कॉन्फिडेंशियल बैकग्राउंड चेक, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब चीजें इन लोगों की. ठीक है, तो आईसीआईजे ऑब्वियसली को पर्सनल डेटा रिलीज नहीं करेगा, दे विल नॉट रिलीज एनीथिंग, बट उन्होंने अब्रिज्ड और कह सकते हो कि स्टोरीज रिलीज करी है उनकी. दे हैव मेड रिपोर्ट्स आउट ऑफ दैट डेटा एंड दे हैव रिलीज्ड दोस काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स. ठीक है, उन्होंने ये किया है. ठीक है, तो अब की फाइंडिंग्स, व्हाट इज द की फाइंडिंग. इट शोज हाउ अ सीक्रेट इंडस्ट्री हाइड्स फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ वेल्दी एंड पॉलिटिकली कनेक्टेड पीपल. देखो, देश से पैसा बाहर ले जाना इतना आसान भी नहीं है. यू हैव टू बी वेरी पॉलिटिकली कनेक्टेड टू बी एबल टू डू दैट, है ना. यू एवरीबडी डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू डू समथिंग लाइक दिस. आपको बहुत कनेक्टेड रहने की जरूरत पड़ती है. आपको यू हैव टू बी एक्सट्रीमली स्मार्ट एंड रिच अबाउट इट. जैसे अगर हम बात करते हैं, ये कई बार अभी रिसेंटली उठा था, है ना, दिस पर्टिकुलर इशू केम टू लाइमलाइट, वेर इन जो गौतम अडानी के भाई हैं विनोद अडानी, ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, है ना. ही इज अ यू कुड से अलग अलग उन्होंने सिटीजनशिप दे रखी है. आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन सी कंट्री के, है ना. तो दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट. तो वो क्या करते हैं कि मतलब पैसा बाहर को जाता है उनके नाम से एंड ऑल. तो ये थोड़ा सा इशू है. ठीक है, तो इसमें रशिया की काफी सारे वेल्दी फैमिलीज आई है. 800 कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स हैं. 2004 दे वर ओन्ड कंट्रोल बाय रशिया, हू फेस सैंक्शन 2014. ठीक है, मोर देन 650 साइप्रस कंपनीज आर अ पार्ट ऑफ दिस. ठीक है, ट्रस्ट ट्रस्ट सब होते हैं इसमें. कुछ ट्रस्ट बनते हैं, कुछ कंपनीज बनती है अपना पैसा पार करने के लिए, राइट. तो डेटा इंडिकेट दैट साइप्रस सर्विसेज प्रोवाइड असिस्टेड इन ट्रांसफरिंग हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ वेल्दी इंडिविजुअल्स इनटू दिस. अब अलग अलग कंट्रीज के लोगों को नाम बताया था थोड़े. ठीक है, जैसे दिस पर्सन अ वेल्दी रशियन स्टील मैग्नेट, जिसका नाम है एलेक्सी मॉर्दाशोव.
रशिया की अगर बात करें तो ये आए हैं, ठीक है। कंपनी अग्रीड टू पे अप्रोक्सीमेटली $700,000 ओवर 5 years टू जर्मन जर्नलिस्ट हुबर्ट सीपल, वो इनको पैसा दे रहे थे। सीपल वॉज टू राइट अ बुक ऑन पॉलिटिकल एनवायरमेंट इन द रशियन फेडरेशन उसके अगेंस्ट। तो मतलब दीज थिंग्स आर सो पेड, हर चीज इतनी ज्यादा पेड है ना कि यू जस्ट कांट ट्रस्ट एनीथिंग। आप कुछ भी चीज पर ट्रस्ट नहीं कर सकते आजकल कि क्या चीज एक एडवर्टीजमेंट है, क्या चीज क्या, यू नेवर नो। ओके, तो इस तरह के अलेक्जेंडर अब्रामोव, अलेक्जेंडर फ्रोलोव, पुतिन के खास लोग हैं काफी, है ना। चेल्सी, अगर यू नो अबाउट चेल्सी फुटबॉल क्लब, तो उनके जो ओनर थे पहले, आज से 2 साल पहले, उनका नाम था रोमन अब्रामोविच। तो रोमन अब्रामोविच को हटाया गया आफ्टर दिस वॉर स्टार्टेड। ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन रशिया, उनको रशियन माफिया बोलते हैं, राइट। तो ही इज इज उनका भी नाम है इसमें, ठीक है ना। पीडब्ल्यूसी, पीडब्ल्यूसी इज प्राइस वाटर कूपर, इज वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट एमएनसीज इन द वर्ल्ड, तो उसमें इनका भी नाम है। तो नाम तो मतलब खैर इतने रेलिवेंट नहीं, किस किस का आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। रामी मकलूफ, ठीक है, ये मकलूफ इज अ बिजनेसमैन कजिन ऑफ सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद। तो आप ऐसे लोगों के नाम आते हैं इसमें, इस लेवल के लोग जो किसी कंट्री के प्रेसिडेंट है। चेल्सी फुटबॉल क्लब के पुराने हो रहा रोमन अब्रामोविच का नाम है। चलो हम इंडियंस पे चलते हैं, ठीक है। इंडियंस इन द लीग, दिस इज रेलिवेंट फॉर अस। तो इंडियंस आर नॉट द मेजर फोकस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, बट अगेन देर आर सम इंडियंस जिनको इसका पार्ट बनाया गया। वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस हाउएवर रिपोर्टेड दैट 66 इंडियंस हैड सिक्योर्ड साइप्रस के पासपोर्ट। आप साइप्रस के पासपोर्ट लेकर क्या करोगे, है ना। आपकी तो कंट्री वैसे भी सिंगल सिटीजनशिप कराती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि साइप्रस में एक अलग से सिस्टम चलता है इस चीज का। आई विल टेल यू समथिंग अबाउट दैट, क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो उसमें किस किसके नाम आए, विनोद अडानी हु इज गौतम अडानी एल्डर ब्रदर, पंकज ओसवाल वन ऑफ मेजर इंडियन बिजनेसमैन, एंड सुरेंद्र हीरानंदानी हु इज अ मेजर रियल एस्टेट, यू कुड से कह सकते हो पर्सन इन इंडिया, बिजनेसमैन इन इंडिया। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ गोल्डन पासपोर्ट स्कीम इन साइप्रस। तो साइप्रस क्या करता है कि जो भी बहुत दुनिया में अमीर लोग होते हैं ना, उनको इन्वाइट करता है कि आप हमारा पासपोर्ट और सिटीजनशिप ले लो। साइप्रस का पासपोर्ट और सिटीजनशिप लेने का फायदा क्या है, इट्स अ ईयू कंट्री, तो आप ईयू की सारी 27 कंट्रीज में विदाउट वीजा आप जा सकते हो। और ईयू की जो कंट्रीज होती है ना, आप कभी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट देखना, सारी की सारी ईयू कंट्री, मोस्ट ऑफ द ईयू कंट्रीज हैव द राइट टू गो टू एटलीस्ट 100-120 कंट्रीज विदाउट एनी वीजा। तो आपकी वो 27 कंट्रीज फ्री हो गई, उसके अलावा 122, कम से कम 150 कंट्रीज में वीजा फ्री जा सकते हो। तो एज समबडी हु हैज एन इंडियन पासपोर्ट वर्सेस समबडी हु हैज अ ईयू पासपोर्ट और अ साइप्रस पासपोर्ट विच इज अ पार्ट ऑफ ईयू, ईयू पासपोर्ट काफी फायदेमंद है आपके लिए, बिकॉज हर जगह आपकी आराम से एंट्री हो जाएगी, डोंट वरी टू मच अबाउट इट। तो गोल्डन पासपोर्ट स्कीम इज कॉल्ड द साइप्रस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, जो 2007 में लॉन्च हुआ था। फाइनेंशियली प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स को साइप्रोटिक सिटीजनशिप या पासपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। साइप्रस का आपको पासपोर्ट और सिटीजनशिप मिल जाएगी, एंड दिस इज बेसिकली टू अट्रैक्ट द FDI इन दिस पर्टिकुलर आइलैंड। साइप्रस में ऐसे काफी सारे पैसे जनरेट कर लेता है साइप्रस, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एज ए ईयू सिटीजन, बिकॉज आप यूरोपियन यूनियन के पार्ट हो, आप 27 मेंबर स्टेट से तो वैसे ही पार्ट हो, क्योंकि आप ईयू पूरा 27 है, और 170 कंट्रीज के आसपास आप वीजा फ्री जा सकते हो या फिर वीजा अराइवल जा सकते हो। तो साइप्रस इज लो पर्सनल एंड कंपनी टैक्सेस ऑल्सो, है ना, टैक्स भी कम लगता है वहां पे, देयर इज नो टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम डिविडेंड इंटरेस्ट एंड अदर सोर्सेज। तो इंडिया में तो, और बाकी यूरोप में, और बाकी जो मतलब प्रॉपरली एस्टैब्लिश कंट्रीज है, वहां तो बहुत टैक्स लगता है। आप कुछ भी कमाओ आप पर टैक्स लगेगा। आप शेयर खरीद लो 10 रुपए का और उसको 20 रुपए में बेच दो, तो वो 10 रुपए जो आपने कमाए ना, उस पर भी टैक्स लग जाता है इंडिया में। एवरीथिंग इज टैक्सेबल, ठीक है। तो यहां पर इंडिया के बिजनेस पीपल ऑब्टेनिंग अ हाई रैंकिंग पासपोर्ट कैन ग्रेटली फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस देयर। तो इसने, साइप्रस ने अपना ये जो पर्टिकुलर स्कीम था, इसको 1 नवंबर 2020 में खत्म कर दिया कि इसके बाद कोई एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करेंगे हम, ठीक है। वी विल नॉट एंटरटेन एनी एप्लीकेशन आफ्टर दिस। तो ये काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि प्रॉब्लमैटिक है। प्रॉब्लमैटिक तो क्या मतलब, अच्छा ही है फॉर इंडिया, बट इंडियन एक्सप्रेस का ये कहना है कि 1966 से पहले ही कई सारी कंट्रीज ने यहां पर ले लिया पासपोर्ट, सॉरी कई सारे लोगों ने पासपोर्ट ले लिया। तो यूरोपियन कमीशन डिसाइडेड टू सेंड अ रीजन्ड ओपिनियन टू साइप्रस ऑन जून 9, 2021,
ठीक है, पेंडिंग एप्लीकेशन को उन्होंने फिर से कंटिन्यू करा तो साइप्रस ने सारी एप्लीकेशन रोक दिया अभी के लिए। सो फॉर द लास्ट टू टू एंड हाफ ईयर साइप्रस कोई भी एप्लीकेशन जो पेंडिंग एप्लीकेशन भी उसको भी प्रोसेस नहीं कर रहा है। तो ये करीब 15 साल तक चली है स्कीम रफली, ठीक है। हाँ राइट तो यहां पर अलग अलग लोगों के नाम, यहां पर तो एक पर्टिकुलर पर्सन है अनुभव अग्रवाल, है ना। तो अनुभव एक है ना, लास्ट ईयर स्कैम हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। इट्स अबाउट द नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड, एक स्कैम हुआ था, ठीक है। तो इसमें भी इनका नाम आया था कि वो की अक्यूज। तो कई सारे लोग इंडिया में स्कैम करते हैं, भाग जाते हैं वहां पे, है ना। ये तो इंडिया में एक फीचर रहा है ओवर द लास्ट 10-20 years। सो मेनी पीपल जस्ट रैन अवे आफ्टर डूइंग दोस स्कैम्स इन इंडिया। विजय माल्या, नीरव मोदी आर बिग नेम्स। इसलिए अभी सहारा श्री जिसको हम बोलते हैं, सुब्रत रॉय सहारा ऑल्सो पास अवे, तो उनके लिए कहा जाता है कि मतलब जो उनके सपोर्टर्स हैं, बिकॉज ही क्रिएटेड अ फैमिली इन इंडिया कॉल्ड सहारा इंडिया फैमिली, राइट। तो उनके लिए बोला जाता है, जो उनके सपोर्टर्स हैं वो बोलते हैं कि ही वॉज एटलीस्ट लॉ अबाइडिंग। आप एंड तक वो इंडिया में ही थे, वो जेल गए, उनके पास भी ऑप्शन था, ही कुड हैव जस्ट रन अवे, है ना। भाग तो वो भी सकते थे, ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने उनको पकड़ लिया था कहीं से, बट ही वॉज लॉ अबाइडिंग एटलीस्ट। ये मतलब एक अच्छा पर्सपेक्टिव है इस बात का। सुब्रत रॉय सहारा एक बैड बॉय बिलियनर्स करके नेटफ्लिक्स पे सीरीज है ना, वो देखना, सुब्रत रॉय सहारा की स्टोरी है। बताओ मतलब एक आदमी गोरखपुर के पास के गांव के रहने वाले थे, वो स्कूटर पे जा जाके गरीब लोगों से उनकी सेविंग्स इकट्ठी करते थे कि आपको सेविंग्स दो मेरे को आपकी, मैं आपको कुछ इंटरेस्ट लगाकर इसको दिया करूंगा। तो वो लोग जिनको सेव करना आता ही नहीं था, जो रोज कमा के रोज खा लिया करते थे, उनको सेविंग करना सिखाया था, और ऐसे करके पूरे देश में अपना व्यापार फैला दिया था, ठीक है, द एंटायर कंट्री। और सहारा इंडिया परिवार बन गया था लाखों लोगों का, लाखों लोग थे उसमें, मतलब बहुत जबरदस्त, मतलब ही बिकेम अ ह्यूज मैन इन इंडिया। मतलब ऐसा बोला जाता है कि सुब्रत रॉय सहारा हैज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रियल एस्टेट इन इंडिया, प्रॉपर्टीज जिसको बोलते हैं ना, पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज उनके पास थी, राइट। सो दैट्स हाउ दिस वर्क्स। उनकी किसी समय आईपीएल टीम थी एक पूरी, ऐसा माना जाता है कि उनके बेटे की शादी हुई थी लखनऊ में, वहां पर 30,000 गेस्ट आए थे उस शादी में, 30,000, ठीक है। सो इस लेवल के अमीरी थी वहां पे, ठीक है। तो इंडिया साइप्रस, तो अच्छा एक मैं और बात बताता हूँ आपको, देयर इज समथिंग कॉल्ड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, DTAA। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट क्या होता है कि अगर आपको, जैसे मान लो मैं यूएस में रहता हूँ, मान लो ठीक है, आई स्टे इन द यूएस, माय पेरेंट्स स्टे इन इंडिया, तो मैं कमाता हूं तो मैं अपने पेरेंट्स को भेजूंगा वो पैसा, राइट। तो मैंने जब यूएस में कमाया तो उस पैसे पे टैक्स लगा था, अब जब मैं अपने इंडिया में पेरेंट्स को भेजूंगा तो उनकी भी इनकम में आएगा कि भाई कहीं से भी इनकम आ रही है, इनकम तो आ रही है, तो वो इंडिया में भी उस पर टैक्स लग जाएगा, लेकिन मैं उस इनकम पर तो ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूं। तो ये डबल टैक्सेशन हो गया, एक बार यूएस में लग गया, एक बार इंडिया में लग गया। तो कंट्रीज क्या करती है, दे साइन अ ट्रीटी कॉल्ड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, कि अगर एक बार कहीं पर टैक्स लग चुका है तो वो वापस नहीं लगेगा दूसरी जगह, एक ही बार लगेगा, राइट। तो दीज काइंड्स ऑफ अग्रीमेंट्स आर साइंड। तो इंडिया का DTAA है विद सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग साइप्रस विच ऑफर लो टैक्स रेट्स। तो इंडिया में टैक्स रेट 30%, साइप्रस में टैक्स रेट 10%, तो 10% टैक्स लगता है, आगे लगता ही नहीं है फिर इंडिया में, तो इट गेट्स वेरी इजी, काफी आसान हो जाता है। तो इसलिए कंपनी अपना टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट यूज करते हैं साइप्रस वाला इंडिया में टैक्स बचाने के लिए, ठीक है। तो DTAA है, लेकिन साइप्रस को भी हमने एक लिस्ट से हटाया है हाल ही में, 2013 में इंडिया ने साइप्रस को इंक्लूड किया इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट रिफ्रेन फ्रॉम शेयरिंग और एक्सचेंजिंग वैल्यूएबल टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो इंडिया ने साइप्रस को एक तरह से अक्यूज किया कि सही इन्फॉर्मेशन बताते नहीं है, एंड एज अ रिजल्ट उनको एक पर्टिकुलर लिस्ट होती है विच इज कॉल्ड नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शन एरिया, टैक्स लॉ जानने की जरूरत नहीं है, उसमें ऐड कर दिया। तो साइप्रस, इंडिया वाज नॉट वेरी हैप्पी विद साइप्रस अपेरेंटली, राइट। सो दैट इज इट अबाउट दिस सेशन, एंड इसका एक बेसिक आइडिया सबको होना चाहिए। अच्छा मैं इसके, रुको, इसके बारे में और भी बता देता हूँ, आई ऑल्सो डिस्कस दी अदर वंस, ठीक है। तो DTAA हमारा 2016 में साइन हुआ था। ICICI के बारे में जान लो, वॉशिंगटन DC में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, चार्ल्स लीविस ने स्टार्ट किया था 1997, वॉशिंगटन DC में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, प्लीज ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और जैसे ये साइप्रस कॉन्फिडेंशियल है, इस तरह की काफी सारी रिपोर्ट्स ICICI ने रिलीज करी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस की अगर हम बात करें, इंडियन न्यूज़पेपर 1932 में आया था, बाय द पर्सन कॉल्ड रामनाथ गोयनका, ठीक है। अभी CEO इज जॉर्ज वर्गीस एंड विवेक गोयनका इज द लीडर, द ओनर, ठीक है।
उसके अलावा देखो ऑफशोर लीक 2013 के, पनामा पेपर 2016 के, है ना, पंडोरा पेपर 2021 के, ये भी इसी तरीके के लीक्स हैं जो आईसीआईए ने करे। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच, आई होप इट वॉज यूजफुल। आई सी यू गाइज अगेन टुमारो, है ना, तो विल डिस्कस मोर टॉपिक्स, आई विल ब्रिंग मोर रिविजन टॉपिक्स अगेन टुमारो, एंड दैट्स इट। कीप प्रिपेयरिंग रियली रियली हार्ड एंड ट्राई टू वर्क अप ज्यादा, है ना, थोड़ा सा एक इंटेंस काम करो, थोड़ा सा खुद को मोटिवेटेड रखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एवरीबडी इज राइटिंग द सेम एग्जाम, एवरीबडी हैज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोर ऑर लेस द सेम सोर्स। कितना याद रख सकोगे, कितना खुद को कूल रख सकोगे, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के टाइम पे, है ना। ज्यादा परेशान होगे तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, राइट। दैट्स इट गाइस, बाय, गुड नाइट।